वेलकम एवरीवन, मैं वैशाली शर्मा आपका स्वागत करती हूँ वीएस इकोनॉमिक्स चैनल पर। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें वीएस इकोनॉमिक्स चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, जिसमें आज हम पढ़ेंगे एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड नेशनल इनकम इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। यानी कि एक्सपेंडिचर मेथड क्या है, सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि एक्सपेंडिचर मेथड नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का एक मेथड है, जिसके अंदर हम मेनली किसके बारे में स्टडी करते हैं, एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज को हम परचेज करते हैं उसके ऊपर जो हमारा एक्सपेंडिचर होता है, यानी कि जो खर्चा लगता है, ठीक है, एक इकोनॉमी के अंदर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, एक पूरे अकाउंटिंग ईयर में, उसे कहा जाता है एक्सपेंडिचर मेथड। सिंस फाइनल एक्सपेंडिचर कॉम्प्राइजेस, यानी कि फाइनल जो हम एक्सपेंडिचर मेथड की बात करते हैं तो उसके अंदर मेनली हम दो कंसेप्ट को लेकर चलते हैं, कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, सी किसको शो करता है, कंजप्शन को, और आई किसको शो करता है, इन्वेस्टमेंट को। इट इज आल्सो कॉल्ड कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड और इनकम डिस्पोजेबल मेथड। तो एग्जाम में आपसे डायरेक्ट एक्सपेंडिचर मेथड का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता बच्चों, इसके अंदर आपको एक्सपेंडिचर मेथड से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपसे क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपसे यह कहा जाएगा कि आपको कंजप्शन या इन्वेस्टमेंट मेथड या इनकम डिस्पोजेबल मेथड की हेल्प से आपको इस न्यूमेरिकल को सोल्व करना है। तो आपको उसके ही पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या करना पड़ेगा, इस कंसेप्ट को अच्छे से समझना होगा। तो नेक्स्ट अपने पास कंसेप्ट आता है इसमें, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर। अब फाइनल जो एक्सपेंडिचर है उसको क्लासिफाई किया गया है चार तरह से। फर्स्ट, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन, सेकंड, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन, थर्ड, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, एंड फोर्थ अपने पास आता है इसके अंदर नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक है। और इसके अंदर फिर अपने पास आ जाते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी आ जाता है, ठीक है। तो हम इसको वन बाय वन इसको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइवेट फाइनल कंजप्शन की। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जिसको डिनोट किया जाता है किससे, सी से, कहते हैं इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, कंज्यूमर सर्विसेज, कंज्यूमर जो अपनी सर्विसेज देता है उसको इसमें इंक्लूड किया जाता है, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं, वो गुड्स जिनका हम एक बार यूज कर लेते हैं तो दोबारा उनको यूज नहीं किया जा सकता, मतलब रिपीटेडली उसका यूज हम नहीं कर सकते, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बटर और मिल्क, यानी कि बटर और मिल्क एक बार यूज हो गया तो दोबारा उसका हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स। अब कहते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं, ये वो गुड्स होते हैं जिनका यूज हम सेवरल इयर्स, यानी कि लंबे समय तक जिनका यूज किया जा सकता है, हमने रिपीटेडली जिसका हम यूज कर सकते हैं, एक बार इनको हम परचेज कर लेते हैं तो उसके बाद लॉन्ग टाइम तक इनका यूज कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर, वॉशिंग मशीन, ठीक है। तो एग्जाम में जब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको इसी तरह का न्यूमेरिकल दिए होंगे कि फर्नीचर इतने का है, वॉशिंग मशीन इतने की है, ठीक है। तो आपको फिर बताना है कि कौन कौन से गुड्स को इसमें इंक्लूड करेंगे, किसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये था हमारे पास प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जिसके अंदर अपने पास तीन कंसेप्ट आए, कंज्यूमर की सर्विसेज, कंज्यूमर के ड्यूरेबल गुड्स और कंज्यूमर के नॉन ड्यूरेबल गुड्स। सेकेंड आइए गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या होता है, इट ये रेफर करता है एक्सपेंडिचर को किसके, फाइनल गुड्स और सर्विसेज के, बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए हैं, लाइक एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ गुड्स फॉर कंजप्शन बाय डिफेंस पर्सन, यानी कि जो गवर्नमेंट खर्चा करती है, जो अब तो जो गवर्नमेंट है वो किसके ऊपर एक्सपेंडिचर करती है, डिफेंस के ऊपर, यानी कि जो हमारे मिलिट्री मेंबर्स होते हैं उनका जो डिफेंस किया जाता है, उनकी सुरक्षा के लिए जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है वो इसके अंदर इंक्लूड होता है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में। नेक्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब जब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर क्या होता है, यानी कि फाइनल गुड्स के ऊपर जो एक्सपेंडिचर किया जाता है प्रोड्यूसर्स के द्वारा, ठीक है, अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंडिचर बाय द फार्मर्स ऑन द परचेज ऑफ ट्रैक्टर्स, यानी कि जो फार्मर्स हैं
अपने फार्मिंग को करने के लिए जब फार्मर्स क्या करते हैं, ट्रैक्टर को परचेज करते हैं, तो ट्रैक्टर को जो वो परचेज कर रहे हैं यानी कि उसके ऊपर उन्होंने एक्सपेंडिचर लगाया, ठीक है, उसके ऊपर उन्होंने खर्चा किया अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, तो ये इस तरह का जो इन्वेस्टमेंट गया, इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रैक्टर को खरीदने के लिए जो उन्होंने परचेज किया था, इसका मतलब उन्होंने क्या किया, उस पर अपनी इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है ना, ताकि उनका जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो। तो इस तरह से इसको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर इंक्लूड किया जाता है। अब नेक्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जो होता है उसको फर्दर क्लासिफाई किया जाता है टू पार्ट्स में। फर्स्ट इज फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, सेकंड आता है इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। अब ये बात ध्यान रखना कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जो होता है वो देखो, तो इन्वेस्टमेंट किसके द्वारा किया जाएगा, प्रोड्यूसर्स के द्वारा, ठीक है। तो जो प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब खर्च एक्सपेंडिचर लगाते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए किसके ऊपर, जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं उनको परचेस करने के लिए। अब फिक्स्ड एसेट्स कौन सी होते हैं हमारे पास, जैसे प्लांट्स हो गए, मशीनरी हो गई, ठीक है, प्लांट्स लगाए जाते हैं या मशीन्स लगाई जाती है, तो उन पर जो खर्चा किया जाता है, तो इसका मतलब यह है कि वो क्या कर रहे हैं, उस पर अपना इन्वेस्टमेंट कर रही है। इकोनॉमिक्स जो है उन्होंने क्या किया, फिक्स इन्वेस्टमेंट को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में क्लासिफाई किया है। सबसे पहले उन्होंने कहा बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, यानी कि वो इन्वेस्टमेंट जो किसके ऊपर किया जाता है, बिजनेस के ऊपर किया जाता है, ठीक है। सेकेंड आता है फिक्स इन्वेस्टमेंट बाय द हाउस होल्ड इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज। सेकेंड पॉइंट आता है कि फिक्स इन्वेस्टमेंट कौन सा, जो हाउस होल्ड के द्वारा किया जाता है कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज, अब मतलब घर बनाने के लिए, घर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो इसके अंदर आता है। थर्ड आता है पब्लिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, यानी कि पब्लिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब गवर्नमेंट जो इन्वेस्टमेंट करती है, मतलब जो इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड रहता है, ये तो गवर्नमेंट को करना पड़ेगा ही पड़ेगा, जैसे कि रोड्स बनवाना, डैम्स बनवाना, ब्रिजेस बनवाना, तो इसके लिए तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, एक्सपेंडिचर अपना करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है इट रेफर्स टू चेंज इन स्टॉक, यानी कि ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि एक साल के दौरान स्टॉक जो हमारे पास स्टॉक रखा हुआ है, उस स्टॉक में जितना चेंज आया उसको इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के अंदर इंक्लूड किया जाता है। और लास्ट हमारे पास आता है नेट एक्सपोर्ट्स। अब नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब होता है, नेट एक्सपोर्ट्स अपने पास आते हैं, ये डिफरेंस को दिखाता है इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, यानी इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के डिफरेंस को शो करता है, वो अपने पास आता है नेट एक्सपोर्ट्स के अंदर। तो ये था हमारा आज का टॉपिक एक्सपेंडिचर मेथड। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों मेथड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनकम मेथड, इनकम मेथड अपना, प्रोडक्ट मेथड जिसे वैल्यू एडेड मेथड भी कहा जाता है, और लास्ट अपना एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। इनकम मेथड और प्रोडक्ट मेथड के बारे में मैं अपनी इससे पहली वीडियो बना चुकी हूँ, तो अगर आप चाहें तो वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए